भाई है ये है इसकी माँ जी। ओ तो भाई जैसे बजरंगी लिजवाना की का एक माँ का दूध नहीं पिया जी मैंने इसको। अच्छा अच्छा आज इसको गाय का दूध पिलाया पूरा जी गाय का। तो ये देखो भाई ऐसे कटड़े तैयार होते हैं। और नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज की वीडियो काफी स्पेशल वीडियो है उन पशुपालकों के लिए जो अपने खुट्टे पे एक नया पशुधन तैयार करना चाहते हैं और सीमन का उनको इंतजार रहता है कि कौन से सीमन का हम प्रयोग करें और कौन से उसका रिजल्ट लेकर के हम अपने फार्म को और भी अच्छे तरह से चला सकते हैं। ये बजरंगी जो लिजवाना सुना है अनिल भाई का जो बुल है उसका ये रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तक बजरंगी का कोई मेरे चैनल पे प्रवीण मुर्रा फार्म पे अभी तक कोई उसका अपने दिखाया नहीं है, उसको भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उसका जो कटड़ा है उसका आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। और साथियों जो भी अपने चैनल से जो साथी पहली बार जुड़ा है भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि एक से एक बढ़कर रिजल्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई ये मलिक साहब के पास आए हैं और उनका क्या गांव है क्या एड्रेस है ये भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और कैसे इनको इन्होंने तैयार किया है सारी विशेषता इस बुल के बारे में बताई जाएगी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। और जी मलिक साहब ठीक ठाक बढ़िया भाई तो जी अपना क्या नाम है कौन सा गाँव है? नीरज नाम है जी। कारोर गाँव। कारोर गाँव हाँ जिला रोहतक। जिला रोहतक। रोहतक से कितनी दूर है अपना? रोहतक से 7-8 किलोमीटर है। 7-8 किलोमीटर। और सांपले से 10-11 किलोमीटर पड़े है जी। तो भाई जी एक जो मेरा साथी है पशुपालक आप लोगों से सीखेगा इतना अच्छा आपने जो किया है कौन से उसका है ये कटड़ा? ये बजरंगी लिजवाना का। बजरंगी लिजवाना का जी। कितने दिन का हो गया ये जी? 1 साल का होया है। 30 तारीख ने एक महीना ऊपर हो जाएगा। 30 तारीख को जो ये अभी आएगी 30 तारीख आएगी तो यानी कि 13 महीने का ये कटड़ा। 13 महीने का हो जाएगा। आप देखो दोस्तों बजरंगी लिजवाना मैंने मेड़ों में देखा उसी हिसाब से ये काफी हाइट और सुंदर लिए हुए है। और अनिल भाई का हम फकर से कह सकते हैं कि भाई अनिल भाई ने अपने जो बुल का रिजल्ट इसका मतलब बढ़िया दिया है। ये देखो भाई और टेल की बात करें तो भी बिल्कुल टेल है। और ये टेस्टिकल की बात करें पीछे की तरफ जो एक मुर्राम की पहचान होती है वही सारी चीजें हैं। और नीचे से अगर हम कवर करें जो नली का जो साइज है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा है। और पीठ पुट्ठे की अगर बात करें तो भाई कोई भी किसी प्रकार का लेद नहीं है। और शिंगों की अभी तो देखो मुड़ना शुरू होया है। तो अनिल भाई इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड कितना है? इसकी माँ 20 kg का दूध है भाई साहब। 20 kg दूध है। रिकॉर्डिंग भी करा है? रिकॉर्डिंग नहीं करा है इधर ही। तो साथ के साथ इसकी माँ को भी कवर करा देते हैं इसके बारे में बताएं उससे पहले। तो कौन सी भाई है ये इसकी माँ जी? ओ तो भाई जैसे बजरंगी लिजवाना की काफी हाइट लेंथ है उसी प्रकार जो मलिक साहब की है जो मुर्रा ब्यास है ये भी काफी हाइट की है। इसके भी पूछ में कोई सफेद बाल नहीं है जी इसके और ना उसका है कोई सफेद बाल न उस बजरंगी के है न इसका है। या आप ये कह सकते हो भाई माँ बेटे का दोनों का हाइट लेंथ की होगी। हाइट तो, भी पूरी है जी माँ की। उम्मीद कर सकते हैं मलिक साहब जो बजरंगी लिजवाना हो और ये आप वाली ब्यास है दोनों हाइट की है तो उनसे भी अच्छी हाइट निकाल सकते हैं। उनसे भी अच्छी हाइट जो चल रही है हाइट जी उससे लगता है अच्छी हाइट निकालेगा। अच्छी हाइट निकालेगी। तो ये एक माँ का दूध नहीं पिया जी मैंने इसको। अच्छा अच्छा इसको गाय का दूध पिलाया पूरा जी। गाय का? हाँ जी। कौन सी गाय का भाई? ये गाय बंदरी जी इसका। अच्छा पूरा ब्यात इसने इसका दूध पिया। अच्छा अभी बंद कर रखा है आप बंद एक बार छोड़ के दिखाएं अभी भी पी लेगा तो अभी तो इसने आदत छूट गई मुश्किल पिएगा। तो ये देखो भाई ऐसे कटड़े तैयार होते हैं और पूरा का पूरा दूध इस गाय का पिले पूरे का पूरा गाय का दूध भाई ने पिलाया है और इसलिए ये इतनी हाइट लेंथ निकाला है। इसने अपनी माँ का और प्लस इस गाय का दूध पिया है और इतना साफ सुथरा भाई मैं टेस्टिकल के हिसाब से काफी अच्छा जो रिजल्ट दिया है। कोई बात नहीं जयसिंह वाले पाई भी है जिसकी चुंगते की वीडियो। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसलिए लेके आया हूँ भाई ताकि आप भी इतना अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सीमन को अनिल भाई से लेके आए थे? हाँ, खुद लेके गांव से भाई लिजवाना से। लिजवाने से कितने रुपए का सीमन लेके आए थे? 300 रुपए का दिया। 300 रुपए का भाई ने सीमन दिया था। तो एक सीमन रखवाया दो रखवाए? दो रखवाए थे भाई। दो रखवाए एक सुबह एक शाम? हाँ एक सुबह एक शाम। अच्छा अच्छा तो वो अभी इसकी डाइट प्लान में क्या 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 दे रहे हो भाई? जो अब तो इसको आपने बताई थी डाइट प्लान जो चने वाला सिस्टम वो सब चालू कर रखा है। नहीं मेरे को देख के तो मेरे चैनल का नाम नहीं ले रहे हो। ना ना ना, ना भाई साहब देते हो ना वही बता देना। एक्चुअल में जो दिया वो ही बताओ। देखो मैं जोड़ के कहता हूँ मैंने अपनी पढ़ाई से मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जो मेरा पशुपालक आप तो फोन पर बात करी थी भाई साहब मैंने आपका अच्छा जानकारी लेकर के वो भी अपने प्रयोग कर सके। तो क्या क्या देते हो मेरा? तो जी इसने जैसे गाँव का दूध मना बंद कराया इसका। हाँ जी हाँ जी। जो नॉर्मल बाखरी ने पड़ा है जो ये देखें अभी दूध आते हैं बिल्कुल। हाँ जो नॉर्मल बकरीन ने पड़ा है वो खाओगा साथ में जी जी जी। और फिर आधी किलो चना
मूंग मोठ हाँ वो भिगो का उसी तरह अंकुरित करके जैसे मैंने बता रखा है अंकुरित करके देख। तो जो भी साथी है ना भाई, मैंने किसी एक भाई के लिए नहीं बता रखा है कि आप अपना एक ही भाई उसको यूज करें। मैंने वीडियो बना के अपने चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पे दे रखी है ताकि हर भाई हर पशुपालक उसका फायदा उठा सके और ऐसे ऐसे जो मुर्रा का पशुधन तैयार कर सके। तो अगर आपको फिर भी अगर कोई लिंक चाहिए तो अपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे अपने डाइट का प्लान का देख सकते हो। और भाई बजरंगी लिजवाने का ये बेटा है और इसकी माँ भी मैंने साथ की साथ दिखा दी, 20+ kg की है। ये बिक्री के लिए भी है भाई? नहीं वह बिक्री के लिए नहीं जी, तो तैयार कराएंगे जी। अभी भाई इसको हमने तैयार करना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई मोल भाव करेंगे। हमने जी रात जावा कटड़ा भी तैयार करा था पर भगवान ने प्यारा हो गया वो। चलो चलो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी है। वैसा ही तैयार करा था जी वो भी। बहुत बढ़िया भाई, और आपने काफी लाड प्यार से तैयार करा क्या? इसको घुमा के कितना लेके आते हो? बस जोड़ते ही ले जाकर जी। आयो साथ में जा, भैंसा है साथ ना जानता जी। अच्छा, जैसे आदमी के साथ जाओगा ये। ना ना बिल्कुल शरीफ है भाई, और हम आपके पशुधन से बिल्कुल संतुष्ट हुए हैं और आपने तैयारी भी अच्छी कर रखी है। तो भाई जो अनिल भाई का बजरंगी लिजवाना बुल था उसका ये रिजल्ट था। मैंने दांत भी चेक करा दिए हैं, बिल्कुल खीरा कटड़ा है। और इसकी जो एज थी वो भी बताइए कितने दिन की एज भाई? 13 महीने का हो जाए 30 तारीख ना जी। 13 महीने का ये 30 तारीख को हो जाएगा। और इसका जो डाइट प्लान भाई ने शुरू कर रखा है, कैसे इसको दूध पिला के, ये सारी बातें भी मैंने वीडियो के द्वारा कवर की है। एक बार फोन नंबर और बता दे भाई, साथी आपसे संपर्क करना चाहते हैं। 70-158-781-81। तो ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी साथी भाई से संपर्क करना चाहता है या इसके डाइट प्लान के बारे में या कैसे भी कोई भाई से बात करना चाहता है तो भाई का फोन नंबर भी ले सकते हैं। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। आपका जय हिंद जय भारत।